कर स्वागत है आपके अपने चैनल डी एग्जाम में दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगी कि आज से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है फर्स्ट शिफ्ट के पेपर नहीं हुए थे सेकंड और थर्ड में पेपर हो चुके हैं तो आज के जो एमपी पुलिस सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेंगे ठीक है जो बारह तारीख में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है तो जल्दी से चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लें डेली आपको रिव्यू करवाया जाएगा और आपको एनालिसिस भी करवाया जाएगा ठीक है तो जल्दी से चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर शेयर करें तो आपका टाइम बिल्कुल भी, भी खराब नहीं करते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है है ठीक ब्लड रिलेशन तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या बोला जाए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है तस्वीर का व्यक्ति महिला का क्या संबंध है ठीक है तो जल्दी से बताइएगा अब देखिए यहां बोला ये तस्वीर को रशहारा करती महिला ने कहा यह मेरे यह मेरी मेरी यानी कौन बताई महिला ठीक है तो महिला बोल रही है ठीक है ये महिला है क्या बोले मेरे दादा तो इसके पिताजी होंगे पिता होंगे या नहीं होंगे बताइए पिता के पिता क्या कहलाते दादाजी कहलाते हैं ठीक इतनी बात समझ में आ गई कि मेरे दादा के इकलौते यानी ये पिता इकलौते बेटे का बेटा है मतलब बेटे का बेट, इसका भी एक कौन होगा बताइए बेटा होगा

निर्धारण पर क्वेश्चन एक आदमी तीन किलोमीटर पश्चिम को चलता है बाई और मुड़ता है तीन किलोमीटर जाता है फिर दाई और मुड़ता है और एक किलोमीटर जाता है दो बार दाई और मुड़ता है ठीक है और तीन किलोमीटर जाता है पर प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है सबसे पहले कहाँ की ओर मुड़ा पूरा पश्चिम तो ये दिशा तो आपको पता ही होगा ये कहलाती पूरा ठीक है पश्चिम उत्तर दक्षिण ठीक है ये बताने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले वो पश्चिम कोर जा रहा है यदि वो यहीं यहाँ पर था तो सबसे पहले पश्चिम को और कितना गया तीन किलोमीटर ठीक है, फिर वह बाई और मोड़ा तो फिर इसका इस होगा, तो कितना गया ये? तीन किलोमीटर की दाई और फिर मोड़ा और तीन किलोमीटर चला अब दाई और फिर से मुड़ गया और तीन किलोमीटर चल गया अब बोला जा रहा है यहां से लेके यहाँ तक की क्या बताने दूरी बताने तो ए कितनी है बताइए तीन किलोमीटर और ए वाली दूरी कितनी है यहाँ देख लीजिए एक किलोमीटर मतलब तीन प्लस एक क्या हो जाएगा चार किलोमीटर ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है कुछ क्वेश्चन में नहीं था बिल्कुल सब क्वेश्चन लेके देखिए ठीक है निश्चिंत नहीं सीरीज के जो क्वेश्चन है वो भी आपके सामने लिख के आया हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है वो भी क्वेश्चन आपके सामने एंड में है आपको बताऊंगा बोला जा रहा है आपको ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है ठीक है ए से लेके ए बी सी डी के छब्बीस अक्षर दिए गए हैं जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर क्या है जी और यू की. अब देखिए से लेके ठीक है क्या बोला जा रहा था जी और यू के बीच में कौन आएगा वो बताना है ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है जी और यू के बीच में कौन सा अक्षर आएगा तो देखिए जी रहता है कितने पर बताइए सात नंबर पर यू रहता है कितने नंबर बताइए इक्कीस पर तो इसमें कितना जोड़े तो यहाँ आ जाएगा बताइए चौदह तो मतलब चौदह में तो यू आ रहा तो इनके जो बीच में अक्षर होंगे वो होंगे तेरह कितने अक्षर होंगे तेरह तेरह मतलब छः इस साइड होंगे और छः होंगे इस साइड और बीच में वो हो गए जो अपन से क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो अपने यहां से कर सकते हैं अब देखिए सब इधर से भी आप देख पा रहे तो कितने बताइए छ और सात और छ तेरह और एक और एड कर देंगे तो ए आपका आंसर आ जाए तेरह और एक चौदह चौदह यानी एन आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा एक बार और समझ लीजिएगा ठीक है देखिए क्या बोला जाता है जी और यू के बीच में अब जी रहता है सात पर ए रहता है इक्कीस पर तो इनके जो बीच में वो है तेरह व्यक्ति जब तेरह व्यक्ति होंगे तो छह व्यक्ति इस साइड होंगे और छह व्यक्ति क्या होंगे इस साइड होंगे तो इन सबको अपन यदि एड करते हैं तेरह छ तो तेरह प्लस एक अपन ऐड कर देंगे तो ए वाला व्यक्ति निकल आएगा ठीक है एन ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की को ओर अब इसमें बोला जा रहा है कि अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार निम्न में से कौन सा चौथे स्थान पर आएगा जल्दी से बताइएगा आप सबसे पहला देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पहले पूछ जाते पहले स्थान पर कौन आएगा अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि चौथे स्थान पर क्या आएगा ठीक है इसमें क्या है आपको टाइम लगेगा यदि आप देख पारंग एफ सब में है चलिए एफ बना देते हैं एफ के बाद एफ ए चलिए ए आ जाएगा ठीक है ए के बाद सी में दिया आप देख पारंग डबल एल है और एक डी में क्या है एल मतलब एल आ जाएगा ठीक है एल के बाद एस है है या नहीं बताइए फिर एल डबल एल आ जाएगा फिर क्या है यदि आप देख पा रहे होंगे सी में सी में आई है ठीक है अपन डी तो लेना नहीं क्योंकि डी में ऐसा आ रहा है और ओ तो एफ ए डबल एल आई मतलब पहले आ जाएगा सी पहले क्या आ जाएगा सी अब सी को छोड़ना है एल ओ डबल ओ डबल ओ के बाद क्या आ रहा है एल ठीक है डबल एफ ओ ओ एल देखिए यदि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा क्योंकि एफ एल डबल एल हाँ सबसे पहले क्या आएगा सी उसके बाद एफ ओ एल एफ ओ डबल ओ आ रहा है। मतलब फिर आ जाएगा आपका ए आएगा नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा बताइए क्योंकि यदि आप देख एफ ए ठीक है फिर आ जाएगा आपका डी डी आएगा एफ ओ डबल एल फिर आपका आ जाएगा ए तो सबसे बाद में क्या आएगा बताइए पूल आ जाएगा नहीं नी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अल्फाबेट के अक्षर आपको जमाना था अब दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं लेकिन अभी मैं एक ही लेकर क्योंकि इजी चैप्टर है ठीक है ज्यादा आपको परेशान होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चन से आपको क्या करवा रूबरू करवाना इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए ठीक है ज्यादा क्वेश्चन करवाना मैं आपको करवा दूंगा निश्चिंत रहिएगा तो बोला जा रहा है कि दर्पण कौन सा क्या रहेगा आप परिवर्तित रहेगा यदि आप डब्ल्यू का बनाते हैं तो डब्ल्यू का डब्ल्यू बनता है यदि बाय का बनाते हैं तो बाय का बाय रहता है यदि टी का बनाते तो टी का टी रहता अपन पहला ऑप्शन उठाए ठीक है यदि आप बाय का बनाते तो बाय का चेंज नहीं होगा यदि आप डब्ल्यू का बनाते डब्ल्यू का चेंज नहीं होगा कौन सा अपरिवर्तित रहेगा दर्पण प्रतिबिंब तो ना डब्ल्यू चेंज हो रहा है ना ओ होता है कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ठीक है सारे सही हैं, आप परिवर्त रहेगा दर्पण प्रतिबिंब क्योंकि W भी चेंज नहीं होता वाई भी चेंज नहीं भी नहीं वो भी नहीं भी नहीं वाई भी नहीं हाँ बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं होगा ठीक है चलिए सीरीज ये वही क्वेश्चन है चलिए नंबर सीरीज आ चुकी है क्योंकि एक से दो क्वेश्चन नंबर सीरीज के भी आ रहे हैं और वो सीरीज ठीक है डेस्ट डेस्ट ए ए सी सी बी बी वो भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा निश्चिंत रहिएगा तो सबसे पहले क्या है उन्नीस ठीक उन्नीस के बाद क्या है नौ नौ के बाद कितना है अट्ठाईस अट्ठाईस के बाद कितना है सैतीस और सैतीस के बाद कितना है पैंसठ ठीक उन्नीस नौ यदि आप उन्नीस और नौ को यदि एट अंतर देखते हैं तो अंतर कितने का बताइए है दस का और यहाँ अंतर कितने का बताइए है उन्नीस का और यहाँ अंतर कितने का बताइए नौ उन्नीस का यहाँ दस यहाँ उन्नीस उन्नीस कुछ सीरीज समझ में आई नहीं आ रही अपन ऐड करके देखते हैं ये कितना था पैंसठ यदि आप देख पा रहे होंगे कि उन्नीस प्लस नौ कितना हो रहा बताइए नौ दुनिया अठारह अट्ठाईस अट्ठाईस और प्लस नौ यदि ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए ठीक है इन दोनों के ऐड किया तो ये आया फिर इन दोनों के यदि ऐड करते हैं तो आपका थर्टी सेवन फिर अट्ठाईस ठीक है सैंतीस प्लस अट्ठाईस को यदि ऐड करते हैं तो आठ सात पंद्रह के यदि एक तीन दो पाँच और एक छः पैंसठ तो पैंसठ और तो तो यदि अपन सैंतीस को ऐड करते हैं तो आंसर आ सकता है सात बारह पीछे दो बारह छः छः तीन नौ और एक दस हाँ आ गया ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ठीक है कुछ नहीं करना था पहले इसक्वाइड किया फिर देखिए सबसे पहले इनको ऐड किया फिर इनको ऐड किया फिर इनको ऐड किया फिर इनको ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ठीक है वीडियो को रोक कर वीडियो को आपको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना है कि आप फिर बन रहा है या नहीं बन रहा है क्योंकि मैं तो स्पीड में बता रहा हूँ थोड़ा क्योंकि ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो ठीक है स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी टाइम भी बिल्कुल भी बेकार ना हो आप अपनी प्रैक्टिस दमदार तरीके से कर पाए समझ गए बात को आगे क्या आएगा बताना है ठीक है सीरीज में तो बारह से कितना हो रहा बताइए अठारह हो रहा मतलब कर दिया फिर यदि आप देख पा रहे कि इसमें कितना ऐड किया नौ ऐड किया तो आप इसमें कितना ऐड करें बताइए बारह बारह करें तीन छ नौ बारह तो वो आनी रहा क्योंकि सात दो नौ रहा यदि आप इसका यदि आप इसमें दो का भाग दें रहे तीन तीन जुड़ रहा यदि आप इसमें तीन का तीन तरह का नौ मतलब बारह यारा ये सीरीज नहीं चल रही ठीक है चलिए तो अब देखिए बारह फिर कितना है अठारह है फिर कितना है सत्ताईस है और चालीस दशमलव पांच यदि दशमलव में आ गया तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ा भाग चल रहा होगा यदि बारह में आप भाग देते हैं दो का तो कितना आएगा छ तो छे इसमें क्या कर दिया एड यदि आप अट्ठारह में दो का भाग देते हैं तो नौ तो नौ क्या करती है इसमें ऐड ठीक है थीके? तो अब सत्ताईस में जब आप दो का भाग देंगे तो दो एक दो दो तीन छः के री एक 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 दो पंच दस तो क्या तेरह दशमलव पाँच इसमें जोड़नी पड़े आ रहा है या नहीं आ रहा है अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं ठीक है सत्ताईस और तेरह दशमलव पाँच तो पीछे पाँच तो आ रहा है साथ दस क्वेश्चन हासिल एक तीन और एक चार हाँ आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो फिर इसमें अपन किसका भाग देंगे दो का तो दो दो नहीं चार और पच्चीस आ जाएगा ठीक है दशमलव मान लेंगे समझ गए बात को तो मतलब 20 25, तो मतलब अब में अपन को जोड़ना कितना जोड़ना है बीस दशमलव पच्चीस और आपका आंसर आ जाएगा मतलब पांच सात जीरो छह पचहत्तर हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए ये रहा जो सबसे इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ, आ रहे हैं तो इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके सामने हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा ठीक एक बार मैं यहाँ लिख ले रहा हूं मतलब क्या है चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें वीडियो को रोक के वीडियो को सोल्व करने की कोशिश करना ठीक है पी फिर कितना आर पी आर क्यू आर वापस बहुत ज्यादा है और फिर क्या है डैश क्यू पी आर P Q है कुछ गलत गलत तो नहीं लिखा गया चलिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ा था इन अक्षरों का अपन गिन लेते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह है तो या तो तीन तीन के पेयर बनेंगे या पांच पांच के पेयर बनेंगे पहले अपन बड़ा वाला दिखते है ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है पांच का बना लेते हैं एक दो तीन चार। कुछ समझ में आ रहा है नहीं बताइए तो कहीं भी आपको यदि आप देख पा रहे होंगे कि आर पी आर यहां पर पी आ सकता है एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच हाँ सही है। तो सबसे पहले क्या यदि आप देखिए पी पी तो आ नहीं सकता क्योंकि डबल पी डबल पी फिर तो गड़बड़ हो जाएगा यदि यहाँ पर क्यू रखते हैं ठीक है तो पी क्यू आर पी आर फिर क्यू से हो रहा देखिए क्यू आर तो यहाँ पर पी आ सकता है क्योंकि देखिए क्यू आर पी ठीक है फिर क्यू पी कुछ गलत तो नहीं लिखा देखिए र पी आर ठीक है तो क्यू पी क्यू पी तो आ रहा है फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं यहाँ पर आर पी आर पी आर पी क्यू क्यू आ सकता है तो ऑप्शन तीन कहाँ पर दिख रहा है मतलब क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू तो ऑप्शन दो में देख रहा था एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या बताइए आ ठीक है ऑप्शन सी लेके चल रहा तो आर पी क्यू आर क्यू हाँ बिल्कुल सही है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज़ है जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा ठीक है स्पीड में सोल्व करना है ठीक है सबसे पहले डैश फिर क्या है एम एल फिर डैसे फिर एल एन एल ठीक है फिर डैस एम एल एम है फिर डैस फिर एल एम एल एम एन सबसे पहले आपको बैठ गिनना है ठीक है चलिए गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह है सत्रह तो कुछ होता ही नहीं है तो चलिए छोड़ देते हैं ठीक है सत्रह और एक और है देख लीजिए पीछे अपन ने डेस छोड़ दिया तो था अठारह तो मतलब क्या हो रहा है कि छः छः के पेयर बन सकते हैं या फिर तीन तीन के बन सकते हैं यदि आप देख रहे होंगे कि एम एल एम एल एम एल ठीक है आपको क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आप क्या करना है जब कॉमन दिख रहा है ठीक है तो कॉमन दिख रहा है तो मतलब एम एल के बाद क्या है एम इसमें है ठीक है इसमें भी है तो इसमें भी क्या होगा एम होगा इसमें क्या होगा बताइए एम होगा समझ गया बात को तो दूसरे नंबर पर जो जिसमें भी वो ऑप्शन लेके अपन को चलना है तो ऑप्शन सी तो आपका कैंसल हो सकता है और ए भी क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है क्यों दूसरे नंबर पर एम चाहिए तो ऑप्शन ए कैंसल हो जाएगा ऑप्शन सी भी कैंसल हो जाएगा ऑप्शन डी या बी में से एक आंसर हो सकता है अभी पक्का नहीं है हो सकता है ठीक है चलिए तो अपन सबसे पहले कौन सा ऑप्शन ले लें ले बताइए चलिए ऑप्शन यदि यहाँ पर एन लेते हैं ठीक है बी के अनुसार तो एम एम एल एम एन एक दो तीन चार पाँच छः अक्सर चाहिए अपन को तो एक दो तीन चार पांच जाएगा तो फिर क्या आएगा बताइए यहाँ पर क्या आएगा एन एन एम एल एम यहाँ क्या आना चाहिए एन मतलब सबसे पहले आना चाहिए एन फिर एम फिर क्या आना चाहिए एन और फिर एन मतलब ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समझ के बात इस प्रकार से सीरीज बनानी है कुछ भी नहीं रहता है सब जो आपको ज्यादा देखिए उसको अपन कॉमन लेते हैं सबसे पहले ठीक है देखिए एम एल आपको ज्यादा दिख रहा था एमएल ले लिए यदि एम के बाद क्या बताइए एम तो अपन ने यहाँ पर एम रख के कोशिश किया नहीं किया देखिए देखिए इसमें भी एम था इसमें भी तो एम दूसरे नंबर पर था तो एम अपन ने ऑप्शन में देखा दूसरे नंबर कौन से बी और डी में तो ए और सी को चेक ही नहीं करना यदि यहाँ इनसे नहीं बनता तो फिर बाद में आपको चेक करना पड़ेगा ठीक है हंड्रेड परसेंट नहीं तो हो ही सकता है लेकिन हाँ नाइनटी नाइन परसेंट बी डी में से आंसर आता है तो अपन आंसर भी आ चुका है ठीक है नहीं तो आप और भी कई तरीके हैं अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए देखिए सबसे पहले क्या है बाय फिर क्या है जेड फिर ए ए ठीक है फिर क्या है बाय फिर क्या एक्स ए बाय है ठीक है फिर ए ए जेड बाय चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा बाय जेड ठीक है यहाँ पर क्या है कुछ दिख रहा है ए ए ए ए जेड बाय समझ सबसे पहले गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह मतलब पाँच पाँच के बना दिए एक दो तीन चार पाँच ठीक है एक दो तीन चार पाँच तो अब देख लीजिएगा बताइए यहाँ पर क्या आएगा यदि आप देख पा रहे हो कि इसमें इसमें भी एक आ सकता है आ सकता है या नहीं तो पीछे एक्स किस में तीन में है तो आगे भी एक्स चाहिए क्योंकि एक्स बाय जेड डबल ए ठीक है एक्स बाय जेड ठीक है ये क्या है बायस एक्स बाय एक्स बाय जेड ठीक है एक्स तो एक्स एक्स जेड एक्स एक्स जेड कितने बाट चाहिए एक दो तीन चार कुछ अपन ने गलत लिखा क्या ये सही है फिर यहाँ पर डेस ठीक है ये भी सही है एक अक्षर और है बाद में चलिए सही क्या है क्या एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह थे सोलह थे ठीक है चार पाँच पाँच की पेयर नहीं बनेंगी चलिए इस बात की स्पेशल ध्यान रखें जब आप बनाएं ठीक है यहाँ पर एक अक्षर आएगा फिर बाय जेड डबल ए